नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान। एक दिन इंडिया से 4 दिसंबर 2023 को गेहूं की बिजाई के बारे में इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से भारत में गेहूं की बिजाई लगातार घट रही है और इसका भविष्य में क्या असर पड़ सकता है। ये आंकड़े जो हैं वो सरकारी विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। और वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आप कार्य अपने विवेक से करें। आइए बात करते हैं गेहूं की बिजाई कैसी रही है और इसका बाजारों पर क्या असर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार बीते शुक्रवार तक देश में गेहूं की बिजाई जो है लास्ट ईयर से 10 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है और पिछले शुक्रवार तक 188 लाख हेक्टेयर तक बिजाई की गई थी, जो गत वर्ष के समानांतर के दौरान 197.6 लाख हेक्टेयर थी। यानी बिजाई लास्ट ईयर से 9.65 लाख हेक्टेयर कम है। और अभी मौसम जो है अनिश्चित के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मौसम अभी पिछले एक सप्ताह से ही ठंडा होना शुरू हुआ है। उससे पहले अधिकतर राज्यों में तापमान अधिक था, तो देखते हैं मौसम आगे कैसे चलता है। और अलिनो का प्रभाव अगर जैसा विभिन्न देश के वैज्ञानिकों ने, विभिन्न देशों ने, मौसम विभाग ने, एजेंसियों ने कहा है कि अप्रैल 2024 तक अलिनो का प्रभाव बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर उत्पादकता पर पड़ सकता है। और अगर एक तरफ हमारा उत्पादन बढ़ता तो उत्पादन बढ़ता और उत्पादकता कम रहती तब भी अच्छा उत्पादन आ सकता था। लेकिन अभी जो मौजूदा हाल है उसके देखे तो एक तरफ एरिया भी घट रहा है और अलिनो के कारण उत्पादकता भी पर भी असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वहां पर एरिया बड़ा है, मध्य प्रदेश में एरिया बड़ा है, बाकी जो भी स्टेट्स हैं अधिकतर स्टेट्स में गेहूं की बिजाई लास्ट ईयर से कमजोर रही है। अभी जो OMSS स्कीम के तहत गेहूं बेचा जा रहा है विभिन्न संस्थाओं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में भी गेहूं का वितरण हो रहा है और अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है। और जो एवरेज जो अभी आ रहा है वो करीब 20 से 22 लाख टन का प्रति महीने का एवरेज आ रहा है। और 1 अप्रैल 2024 को सरकारी स्टॉक हमें और घटता दिखाई दे रहा है, जबकि जो नॉर्म्स हैं, स्टॉकिंग नॉर्म्स हैं 1 अप्रैल को 74.60 लाख टन हैं। और ऐसे हालात में अगर अलिनो का प्रभाव बढ़ता है या कुछ और दिक्कतें रहती हैं तो उत्पादकता पर भी, उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। और लास्ट ईयर भी, लास्ट पिछले 2 सालों से गेहूं के उत्पादन में लगातार गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से सरकारी खरीद कम हो पाई और आप देख रहे होंगे बाजार कैसे चल रहा है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंटली अभी चुनाव हुए हैं उसमें तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, एक में तेलंगाना की सरकार आई है। और बीजेपी ने इन सभी राज्यों में गेहूं की MSP बढ़ाने और धान की MSP छत्तीसगढ़ में बढ़ाने का वादा किया है। अगर वो वादा पूरा करते हैं तो अब समझ सकते हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इन्हें करना ही पड़ेगा, चाहे वो बोनस के रूप में करें, क्योंकि मई के अंदर जो है वो पूरे देश में इलेक्शंस हैं और विपक्ष इस बात को जो है उठा सकता है। कुल मिलाकर जब तक इंडिया में, भारत में वीट का इंपोर्ट नहीं होता तब तक बाजारों में हमें कुछ विशेष मतलब गिरावट नहीं दिखाई दे रही। बाजार बहुत बैलेंस चल रहे हैं, हालांकि लास्ट ईयर से ज़्यादा हैं, परंतु अगर हम अवेलेबिलिटी देखते हैं तो एक कंफर्ट लेवल पर बाजार चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी कंफर्ट लेवल पर है भावों को देखते हुए। और भविष्य में मेरा ये मानना है जैसे जैसे स्टॉक घटेगा वैसे वैसे कीमतों में और तेजी आ सकती है, क्योंकि फसल आने में भी समय बाकी है और देखते हैं बीच में बारिश होती है नहीं होती, मौसम का क्या प्रभाव रहता है। तो कुल मिलाकर जो भी अभी सिचुएशंस वैज्ञानिकों के हिसाब से हैं, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसको देख के लगता है कि हमें आगामी जो रबी सीजन है इसके अंदर उत्पादन में गिरावट आ सकती है। उत्पादन में गिरावट आई तो सरकारी खरीद भी कमजोर रहेगी, क्योंकि गेहूं के भाव अधिकतर मंडियों में MSP से ऊपर हैं। तो MSP से अगर सरकार को गेहूं खरीदना है तो ऊंचे भाव पर ही या बाजार के भाव पर ही खरीदना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी किसान सरकारी काटा पर अपना गेहूं नहीं उतारेगा। वीडियो
पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट जरूर करें हमें प्रोत्साहित करने के लिए। जो वीडियो में कुछ कमी हो उसके बारे में जरूर बताएं। नमस्कार।